नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉल 24/7 और इस समय एक बार फिर से हम उसी खबर पे हैं जिसको लेकर के दो दिनों से पूरा देश सुलग रहा है। जी हां, SC ST का मामला। हालांकि केंद्र सरकार ने जो है पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने आज कोर्ट बंद होने के दिन भी विशेष रूप से कोर्ट खोल करके इस मामले पर विचार करने की बात कही है। जी हां, जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में आज इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही है और अभी भी केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका जो है उस पर बहस का दौर शुरू है। लेकिन दूसरी तरफ देश से जो खबरें आ रही हैं, देश में आज भी जो है हंगामे की स्थिति है। जगह जगह तोड़फोड़ जारी है, चक्का जाम जारी है, लोग हिंसक रूप धारण कर चुके हैं और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी हाँ, ये खबर एक जगह से नहीं है, खबर पूरे देश से आ रही है। हम आपको बता दें, लखनऊ से भी खबरें मिल रही हैं और सबसे खतरनाक, सबसे जो है गंभीर बात जो सामने आई है, जिसको ध्यान देने वाली बात है, वो खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन इतना हिंसक हो चुका है कि अब तक वहां पे 9 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें 9 लोगों की मौत हुई है। इसी में भिंड एक ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में, भिंड में वहां 2 पुलिस कर्मियों के ऊपर 302 का मुकदमा किया गया है। 2 पुलिस कर्मियों पर 2 लोगों की जान लेने का मुकदमा दर्ज हो चुका है। जी हां, हिंसक होता जा रहा है यह आंदोलन, यह विरोध प्रदर्शन पूरे देश से। जगह जगह से जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से देश में एक भयानक स्थिति खड़ी होती दिख रही है, एक भयानक संकट खड़ा होता हुआ दिख रहा है। जी आपको बता दें, लखनऊ में जो कुछ चल रहा है वो भी आपको दिखलाएंगे। लखनऊ का बहुत ही जो है वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, लोग जो है काफ़ी गुस्से में हैं इस बात को लेकर के। तो जो कुछ लखनऊ में चल रहा है ये आपको दिखलाते हैं। भारी संख्या में यहाँ पे वकील भी जुड़े हुए हैं, आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत जबरदस्त भारी तरह क्या देखिए, हमारी मांगे हैं जो SC ST और OBC एक्ट में जो संशोधन किया जा रहा है, जो अधिवक्ता जो दलित विरोधी OBC विरोधी है, ये जगह जगह पर महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जब तब FIR नहीं दर्ज हो रहा है तब कब होगा? और भी हमारे संशोधन में बदलाव करके प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है। अभी आज ही में कई जगह से लाठिया चार्ज होने का मामला सामने आ रहा है, तो उस पे आप लोगों की क्या राय है, क्या मांग करेंगे? ये सरकार की इस तरह का अगर कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाती है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, निंदनीय है। और अधिवक्ता समाज ने पूरा SC ST और OBC समाज पूरा एक सवाल और है कि अगर ये धरना आपका जारी रहेगा, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि ये आंदोलन ये आंदोलन आप लोगों का कब तक जारी रहेगा और अगला कदम क्या होगा? जी हम दोस्तों ये कह रहे हैं कि जब तक ये संशोधन वापस नहीं लिया जाएगा, आए दिन लखनऊ की नहीं पूरे भारत में सड़कों को जाम किया जाएगा। यही कहना, 80% हमारी जनसंख्या है पूरा भारत। और साथ ही साथ आपको दिखलाते हैं दिल्ली में भी इस समय प्रदर्शन जारी है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और दिल्ली जनपथ, जी हाँ, जो संसद भवन के करीब का इलाका है, दिल्ली के पार्लियामेंट, जो देश की पार्लियामेंट है उसके अगल बगल जो जनपथ का इलाका है, उसमें चारों तरफ जो है SC ST के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपकी मांगे क्या है सरकार से, चाहते क्या हो आप? हम तो पूछना चाहते हैं कि सरकार के मांगे क्या है, आप बताओ। इसीलिए कह रहा हूँ सरकार को, आपका मांगे अभी हमारे पास रखो, क्योंकि 5 साल पहले आपने भीख मांगा था वोट का, हमने आप लोगों को वोट दिया। मैं दलित हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, भाई और बहनों मेरे को दे दो, क्या दे दिया? दे दिया। अबे आज तो काम कर, आज तो काम, ठीक है, आज तो कुछ काम कर। सही बात। ये जो लोग आए हुए हैं, ये लोग यही टेस्ट करने के लिए आए हैं कि भाई की सरकार है कि नहीं है, इनके अंदर मानवीय, ये संविधान को जानते हैं, समझते हैं कि मानते हैं कि नहीं है। ये करोड़ों लोग जो हैं, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, देश प्रेमी लोग हैं और देशद्रोही मानसिकता से परेशान हैं। जो लोग अंग्रेजों का चमचागिरी करते थे, जो लोग मुगलों का अपना उनका चमचागिरी करते थे, ठीक है, वही लोग आज उसी मानसिकता के लोग हैं जो देश को चला रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज एक एक करके हर इंस्टीट्यूशन में वो बैठ गए और गलत तरीके से संविधान को व्याख्या किया जा रहा है, तो उसी में जो 27 लोग हैं
1989 जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट था, उसी एक्ट में प्रावधान था कि एट्रोसिटीज होगा तो जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड को एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। अगर उसको अग्रिम जमानत मिल जाएगी तो ये हो सकता है वो आकर थ्रेट करेगा कि भाई तेरा पिटीशन तू वापस ले ले, तेरा एफआईआर वापस ले ले, उसको थ्रेट करेगा नहीं तो तेरे को जान को मार दूंगा। वो दलित है इसलिए तो उसके ऊपर अत्याचार किया। कहां क्या कुछ चल रहा है सब कुछ आपको दिखलाते हैं, देखिए बने रहिए हमारे साथ। और चलते चलते आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि प्लीज हिंसक रूप धारण मत कीजिए। आपके बात की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है, इंतजार कीजिए फैसला आने तक, क्योंकि आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है जिस पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अपना कर्तव्य भी समझिए कि आपका कर्तव्य क्या है। फिलहाल केंद्र सरकार ने सिफारिश करी है, पुनर्विचार याचिका दायर की है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पुनः आपसे निवेदन है, शांति बनाकर रखें, संयम दिखलाएं और इस मामले में जो सुनवाई हो रही है उसका फैसला आने तक कम से कम इस भारत बंद को बंद कर दीजिए, मत कीजिए विरोध प्रदर्शन। नमस्कार।